नमस्कार, महाराष्ट्र TU24 में मैं मनीष टिमरे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दर्शकों, 3 अक्टूबर से आपली बस का जो है संप चल रहा था। वेतन वृद्धि से लेकर कई विभिन्न मांगों को लेकर यह जो है आंदोलन चल रहा था। और नागपुर की बात की जाए तो नागपुर में यातायात का प्रमुख साधन है आपली बस। आपली बस के संप पे जाने से काफी जो है फर्क पड़ा था। और जो है आज शासन द्वारा वेतन वृद्धि समेत कई विभिन्न निर्णयों का जो है निर्णय यहाँ लिए गए हैं, उसी जो है जल्लोष किया जा रहा है। हमारे साथ जल्लोष करता मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे, आज आपकी मांगे पूरी की गई है? हमारे सभी वर्करों से, चालक और वाहक और जितने भी पदाधिकारी है, इनका मार्गदर्शन लेते हुए हम लोगों ने जो धरना आंदोलन किया है, उस धरना आंदोलन को यश मिला है। हमारी 2010 से हमारी सैलरी बढ़ी नहीं थी, लेकिन कल मुंबई में जो भी हुआ उसमें पारित हुआ कि आपका पगार बढ़ा दिया गया है। 2015 का GR लागू कर दिया गया है। अभी कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है। दर्शकों, एक जल्लोष करता हमारे साथ मौजूद है, हाथ में फूल है, फूल की मुस्कान जो है चेहरे पर है, क्या आप बताना चाहेंगे, जो है खुशी की मुस्कान आपके चेहरे पर है, क्या कारण बताना चाहेंगे? सर, हम लोग यहाँ पे 17 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ पे आज तक जो हमारे साथ जो प्रशासन ने खिलवाड़ की है, आज उसकी जीत है। 2015 का GR लागू हो गया था, इन लोगों ने कहा रखा था, कुछ नहीं, हम लोगों को पता नहीं था। हम 2015 के GR के लिए 14 साल से कोशिश कर रहे, लेकिन ये कोशिश कोई हमारी कहीं कोई क्लियर नहीं हो गई। हम अगर हमको लगा कि अपन को अभी क्या करना है, हमने भारतीय जनता पार्टी के आमदार प्रवीण जी दटके साहब को निवेदन दिया और उनके साथ मिलके ये सब तामझाम कर दिया। और 2 साल लग गए ये वाला GR प्रारंभ करने के लिए। इसके वजह से आज वो GR महाराष्ट्र सरकार का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, अपने देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, माननीय गडकरी साहब का अभिनंदन करना चाहता हूँ। इन लोगों ने जो हमको सहकार्य किया, इसके बावजूद हम यहाँ पे जश्न मना रहे। प्रदेश में किसी भी वक्त चुनावी महाबिगुल बच सकता है, ऐसे में इस निर्णय का किस प्रकार से जो है असर पड़ेगा, क्या सरकार से पूछे, क्या बताना चाहेंगे? एक ऐसा है, हर ड्राइवर कंडक्टर के चेहरे पर जो खुशी है वो उसकी जो दिख रहा है, उस पर आपको मालूम पड़ेगा इस पर क्या होगा, सब अच्छे होगा सर। दर्शकों, जिस प्रकार से देखा गया है काफी सकारात्मक जो है सकारात्मक चीजें हुई है, आपली बस कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बैंड बजाए जा रहे हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं, जो है गुलाल खेला जा रहा है, साथ ही साथ मिठाई बांटी जा रही है। विभिन्न संगठनों के समय जो है आपली बस कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, उसके बाद जो है उसका फलित आज हो चुका है। वेतन वृद्धि समेत अन्य जो है कई मांगों की जो है पूर्ति राज्य सरकार ने की है, उसके बाद जो है ये खुशी देखने को मिल रही है। नागपुर की पृष्ठभूमि पर संविधान चौक पर हम इस वक्त मौजूद है, देखते इसका आगामी क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ मैं मनीष टेमरे, महाराष्ट्र TU24 के लिए नागपुर।